आज का टॉपिक है व्हाई डज ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, मींस तेल पानी में क्यों तैरता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें डेंसिटी को समझना पड़ेगा। वैसे डेंसिटी को हमने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लकड़ी का पीस पानी में तैरता है, बट एक पत्थर यानी स्टोन पानी में डूब जाता है। ऐसा डेंसिटी के कारण होता है। डेंसिटी इज मेजर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मींस डेंसिटी से हमें किसी ऑब्जेक्ट की गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लकड़ी का पीस है, आपने इसमें से 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पीस काट लिया। जब आपने इस पीस का मास चेक किया तो इसका मास आया 50 किलोग्राम। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम की लकड़ी में 50 किलोग्राम मास है, जैसा कि डेंसिटी की डेफिनेशन में कहा गया है। पहले केस में लकड़ी का पीस पानी में तैरता है बिकॉज लकड़ी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। इसका मतलब है कि लकड़ी की गिवन वॉल्यूम में जो मास मौजूद होगा वो वाटर की गिवन वॉल्यूम में जितना मास मौजूद होगा उससे कम होगा। दूसरे केस में स्टोन पानी में डूब जाता है बिकॉज स्टोन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। मींस स्टोन की गिवन वॉल्यूम में जो मास मौजूद होगा वो वाटर की गिवन वॉल्यूम में जितना मास मौजूद होगा उससे ज्यादा होगा। अब बात आती है कि ऑयल पानी में क्यों तैरता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा डेंसिटी के कारण होता है तो यू आर राइट। ऑयल की डेंसिटी वाटर के कंपेयर में कम होती है, इसलिए ऑयल पानी में तैरता है। बट वेट, इसका एक और रीजन है। ऑयल एंड वाटर दोनों इमिसिबल लिक्विड है, मींस ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। अगर आप ऑयल एंड वाटर को बर्तन में डालकर उसे हिलाकर कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो ऑयल एक लेयर की फॉर्म में पानी के ऊपर तैरने लगेगा, मींस पानी से अलग हो जाएगा। इस वीडियो से हमें पता चला है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट करेगा या फिर डूब जाएगा, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में फ्लोट करेगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डूब जाएगा। लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। सपोज आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई काम किया, बट उस काम के लिए किसी ने आपको एप्रिशिएट नहीं किया, तो आपको कैसा फील होगा। आई नो बहुत बुरा फील होता है। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आपका प्यार हमें मिल सके। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड फाइनली हैव ए गुड डे।